मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एससीएल लैपटॉप आया है, एससीएल मी। हम यदि बात करें इसके मॉडल की तो मॉडल कहाँ पे लिखा रहता है वही हम बापा को बटन पे आप पाओगे। तो इसका ये एससीएल मी लैपटॉप L1024 ये इसका मॉडल होता है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम इसमें आप देखोगे ये पूरा कीबोर्ड की निकली हुई है इसकी। तो इसका एससीएल मी L1024 का कीबोर्ड हम कैसे चेंज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये इसकी की कैसे निकलती है, पहली बात तो ये है कि की निकलती क्यों है। कुछ बंदे होते हैं जिन्हें उंगली करने की आदत होती है या बच्चे होते हैं जो बच्चे टाइप भी क्या करते हैं लैपटॉप की ऐसे देखो आप देखोगे हाथ लगाओगे और ये की निकल जाएगी। तो इस प्रकार होता है कि ये की निकल जाती है या हम बहुत ही गलत तरीके से बहुत मिसबिहेवियर के साथ यूज करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ वाथ मार ऐसे उधर उधर मारते हैं तो ये की निकल जाती है। प्रोटेक्शन क्या है, यूज ढंग से करें। टाइप में ये एक रबड़ वाली पन्नी आती है हमारी, 14 इंच में भी आती है, 15 इंच में भी आती है। यदि हम इसे कीबोर्ड के ऊपर डाल दें तो ये तभी पुरानी हो रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि नहीं होती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चिपक जाती है। इससे भी हमारी की धूल मिट्टी जाना, कीबोर्ड में प्रॉब्लम होना, की निकलना, इन समस्या से हम बच सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं। नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको बताते हैं कि इसका कीबोर्ड हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज और हिदायत देते हैं कि जब भी आप लैपटॉप खोलें तो बैटरी को बाहर निकाल लें। लैपटॉप खोलने से पहले आप बैटरी बाहर जरूर निकालें। ये बैटरी हमारी बाहर निकलेगी एससीएल की। ये नया कीबोर्ड है, इसमें आप देखोगे कोई लॉक वगैरह नहीं है तो इसमें स्क्रू नहीं होते हैं। हम ऐसे ही कोई भी ट्वीजर वगैरह डाल के ये कीबोर्ड बाहर निकाल सकते हैं। ये जैसे लॉक होते हैं इनके लिए हम ट्वीजर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे डालेंगे और कीबोर्ड को, ये कीबोर्ड बाहर आ गया है। ये स्क्रू नहीं लगाना होता, ये कस्टमर का स्क्रू निकला हुआ था तो हमने इसको टाइट कर दिया है। बहुत ही इजी प्रोसेस है लैपटॉप एससीएल मी में कीबोर्ड लगाने का। ये नया कीबोर्ड है जो दूसरा कीबोर्ड हम इसमें लगा रहे हैं। आप देखोगे सबसे पहले हम की को कनेक्ट करते हैं। लॉक बहुत ध्यान से इसका लॉक खोलना होता है, थोड़ा सा भी तेज खोलोगे तो ये टूट जाता है। इसको बहुत प्यार से आप प्रेस करोगे। हम ये लॉक में इसमें फंसा देते हैं केबल को और ये हमारा कीबोर्ड फिट हो गया। आप देखोगे ये हमने कीबोर्ड लगा दिया है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से लग गया है। यदि आपके पास कोई भी लैपटॉप है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूरज कंप्यूटर को दिखा सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर है। हम इसका आप खोल के सर्विस भी कर देते हैं क्योंकि फैन क्लीन रहेगा तो हमारी मशीन खराब नहीं होगी, हिट नहीं होगी, बहुत चीजें होती हैं इसमें भी। यदि आप खुद घर पे करने वाले हैं तो आप खुद कर सकते हैं, ये नॉर्मल सा ही होता है इसका प्रोसेस, ज्यादा हैवी नहीं होता है। ये आप देखोगे ये फैन है इसका, हम इसमें एक फूंक मारेंगे। सारा कुछ क्लियर है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।